तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल खोजी एक्स वाई जेड में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमने अपने यहाँ सोलर लगवा रखा है, और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 पैनल लगे हैं और बाकी के पैनल यहाँ पर ऊपर वाली छत पे लगे हुए हैं। ये बाकी के पैनल जो है ये ऊपर की तरफ यहाँ पर लगे हुए हैं। इस जगह पर होता क्या है, ये कहा जाता है कि मेंटेनेंस फ्री है ये। ठीक है, मैं मानता हूँ मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन तब भी डस्ट वगैरह इसके ऊपर आके गिरती है। इसकी डस्ट को कैसे साफ करना है, जैसे इसके ऊपर मैं पास से भी आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर कितनी धूल जमी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख पा रहे हैं आप, ये धूल इसके ऊपर जमी हुई है। बहुत ठीक ठाक धूल है, बल्कि इसके ऊपर तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था जिसकी वजह से वो साफ हो गई है, लेकिन ऊपर वाले पैनल पे बहुत ज्यादा धूल जमी हुई है। तो कहीं ना कहीं धूल जम जाने की वजह से इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। इन द सेंस ये बिजली का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर देता है। इसी को हमें समय समय पर जब भी कभी डस्ट हमको दिखाई पड़े तो सिंपल पानी से हमको इसको साफ करना है, और इसमें किसी भी प्रकार का करंट लगने का कोई डर नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप इसकी एमसीबी से इसको ऑफ कर दीजिए। वैसे इसमें चूंकि अर्थिंग लगी हुई है इसकी वजह से इससे करंट लगने का कोई भी डर नहीं है। इसकी और इसकी सफाई के लिए कुछ पर्टिकुलर चीजें मैंने अपने ले रखी हैं। आप सिंपल पाइप लगा करके भी पानी से इसको साफ कर सकते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं आज मैं करके दिखाऊंगा आपको, कि ताकि पूरी 100% ये अपनी एफिशिएंसी पे काम करे और अच्छे तरीके से काम करे। तो इसके लिए कुछ टूल्स मैंने बना रखे हैं, ये मार्केट में भी मिलते हैं और आप स्वयं भी घर पे बना सकते हैं। जैसा कि पहला टूल्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसा कि ये लंबी सी रॉड आप देख पा रहे हैं, ये लंबी सी रॉड है। इसको मैं पास से दिखाता हूँ। इसके आगे मैंने क्या किया है, ये एक छोटा सा फोम मैंने लगा दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा लिक्विड साबुन थोड़ा सा डाल दूंगा, तो उससे होगा क्या कि जो धूल वगैरह है बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगी। जब हम लोग मोटरसाइकिल को अपने साबुन से थोड़ा सा नहला देते हैं ना तो एकदम चमक जाती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आज हम लोग इससे साफ करेंगे। और इसको और डीप क्लीन करने के लिए मैं प्रेशराइज पानी का इस्तेमाल करूंगा। मतलब एक मशीन आती है जिससे बाइक्स वगैरह कार वगैरह साफ करी जाती है, होम पर्पज से भी वो आती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। और उस मशीन को परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो एक तो ये टूल हो गया जिसको मैंने बना रखा है अपने घर पे। ये पर्दे वाली रॉड होती है स्टेनलेस स्टील की, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पर्दे वाली रॉड है, और इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं किया है कि ये पुराना वाइपर टूट गया था उसमें मैंने फोम लगा के इसको बना लिया है। तो बहुत सरल है इसको बनाना। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने वो हाई प्रेशर फेंकने वाली जो है मशीन लगा रखी है। ये मोटर है इसकी, और यहाँ पर पानी बकेट में भरा जाता है। आप इसको डायरेक्ट पाइपलाइन से भी जोड़ सकते हैं। और ये इसकी गन है जिससे कि पानी बहुत तेजी से थ्रो होता है। अभी जब मैं साफ करूंगा तब आपको पता लगेगा। और ये लिक्विड साबुन सिंपल जो आपके घर पे कपड़ा धोने वाला बर्तन धोने वाला साबुन है वो मैंने ले रखा है। और इसके अलावा कोई भी टूल मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि डस्ट चारों तरफ है, इसलिए कपड़े भी थोड़े गंदे हो जाते हैं। तो सिंपल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, सबसे पहले मैं इसको सिंपल पानी से साफ करूंगा। देन उसके बाद जो मैंने ये डिवाइस बना रखी है उसके ऊपर लगा करके मैं इसको डीप क्लीन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको डीप क्लीन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे पानी का प्रेशर बहुत तेज होता है इसके अंदर और काफी हाइट तक जाता है। जैसे ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, काफी हाइट तक इसका प्रेशर जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि तेजी से पानी फेंकने की वजह से काफी सारी डस्ट तो निकल जाती है, लेकिन अभी धूप की गर्मी से जब ये सूखेगा तो हमको दिखाई पड़ेगा एक पतली सी लेयर जो है जमी हुई है। तो उसको हम इस फोम से साफ करेंगे। पहले पूरे पैनल जल्दी से साफ कर लेते हैं, उसके बाद उसको फोम से साफ करेंगे थोड़ा सा लिक्विड सोप लगा करके। तो चूंकि होता ये है कि इस डिवाइस से थोड़ा पानी कम लगता है, प्रेशराइज पानी होता है और कम पानी से ही हमारा काम चल जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये पैनल लगभग इस तरफ के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में साफ़ हो चुके हैं और इधर के थोड़े से पैनल हमको और साफ़ करने हैं, लेकिन जब हम लिक्विड यहाँ पर लगाएंगे तो उससे और डीप क्लीन हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा बहुत कम समय में हमने पैनल्स को साफ कर लिया है, और ये मेरे पास लिक्विड है, इस लिक्विड को मैं इस गॉस में लगा करके आपको करके बताता हूँ साफ कि किस तरीके से ये क्लीन होता है। बहुत कम मात्रा में हम लोगों को साबुन लगाना है, बहुत ज़्यादा साबुन नहीं लगाना है। ऊपर वाले पैनल से शुरुआत करेंगे, ये कुछ इस तरीके से हम लोग को मूव कराना है ऊपर से नीचे की तरफ। इससे होगा क्या कि जो धूल मिट्टी इसके ऊपर हल्की सी जमी हुई है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगी और काफ़ी दिनों तक ये अच्छी एफिशिएंसी पे अपना काम करेगा। वैसे ये ल्यूमिनस कंपनी का मैंने लगा रखा है, मैं यहाँ पर किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ या किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
zigzag way में अप डाउन करके जिस तरीके से आप चाहें इसको साफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी किस्म का पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको शॉक लगने का बिल्कुल भी डर नहीं है, इसलिए बहुत इजीली आप इसको साफ कर सकते हैं। सिर्फ ऊपर के पैनल साफ करे हैं, डिफरेंस मैं दिखाना चाहता हूं कि कितनी सफाई हो जाती है इससे। कि इस मशीन में काफी ज्यादा हाई प्रेशर रहता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जितनी मोटी मोटी धूल है वो तो निकल जाती है, लेकिन जब हम इसको फोम से वगैरह से साफ करते हैं तो काफी अच्छी डीप क्लीनिंग हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों पैनल्स के बीच में थोड़ा सा फर्क आ चुका है, यहाँ पर अभी भी डस्ट बाकी है। जैसा कि मैं उंगली से ये निकाल रहा हूँ, ये डस्ट अभी है इसके अंदर, जो कि क्या है, जो कि फोम से जाएगी, इस मशीन की वजह से वो साफ नहीं हो सकती है। तो बाकी बच्चे के पैनल भी हम लोग जो है ये तीन के तीनों साफ कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि काफी हद तक मैंने इसको साफ कर दिया है, बहुत नीट एंड क्लीन हो गया है, और सोलर की भी एक अपनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी तक ही वो काम करता है। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि हमारी धूप कितनी ज़्यादा अच्छी उसके ऊपर पड़ रही है, कितनी देर तक पड़ रही है, लेकिन जितनी भी देर धूप पड़ेगी तो फुल एफिशिएंसी से उसको काम करना चाहिए। इसलिए टाइम टू टाइम अगर हम इसको क्लीन करते रहते हैं तो एक अच्छा आउटपुट हमको मिलता है, एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हमारे पास होती है, बिजली का बिल हमारा लगभग ना के बराबर हो जाता है। और जिस दिन से मैंने ये सोलर लगवाया, फिलहाल मेरा बेसिक रेंट ही आता है, और लगभग अभी तो चूंकि दिसंबर का महीना है, बिजली इसमें कम बनती है क्योंकि सूरज भी काफ़ी कम देर तक रहता है, लेकिन उसी हिसाब से कंजम्पशन भी हमारा कम हो जाता है सर्दी के दिनों में। और चूंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा हिसाब एकदम बराबर बैठ जाता है। तो फिलहाल मेरा सोलर एनर्जी बैंक भी ठीक ठाक भरा हुआ है, लगभग 800-900 यूनिट एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। सोलर को थोड़ा सा सफाई से इस्तेमाल करिए, अच्छे से रखिए, तो ये आउटपुट भी आपको अच्छा ही देगा। तो फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को क्लोजअप से दिखाता हूँ कि ऊपर वाले पैनल वाकई में बहुत ज्यादा गंदे हैं, क्योंकि काफी सारा धूल उड़ती है, रेगुलर ये धूल बैठती रहती है, क्योंकि बारिश के मौसम में ये हमेशा साफ रहते हैं, और फिलहाल अभी 4 महीने से कोई बारिश वगैरह हुई नहीं है, इस वजह से धूल भी बहुत बैठ गई इसके ऊपर। तो वही धूल अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि देखिए, मैं क्लोजअप से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पैनल का असली रंग जो है ये नीचे है, ये देख पा रहे हैं आप, ये इसका असली रंग है, और हकीकत में ये धूल मिट्टी पड़ के कितने गंदे हो चुके हैं, ठीक है। उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए हमको इसका ये वाला रंग लेकर आना है, और धूल मिट्टी से ये ऐसा हो चुका है। तो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं अपनी छत के ऊपर, पानी फर्स्ट टाइम सिर्फ पानी इसके ऊपर डालेंगे, फिर उसके बाद इसको डीप क्लीन करेंगे साबुन की मदद से, फोम की मदद से। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमको साफ करना है जैसा कि मैंने उस वाले पैनल को साफ किया था। पानी का फवारा डालिए, आप सिंपल पानी से भी, पाइप का प्रेशर अगर आपके पानी का अच्छा आता है तो आप उससे भी पैनल्स को साफ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चूंकि मेरे इस छत के ऊपर यहीं पानी की टंकियां रखी हुई हैं, ऊपर ही यहाँ पर पानी की टंकियां रखी हैं, फिलहाल इसके ऊपर तो पानी पहचाना मुश्किल है, बल्कि ये डिवाइस मैंने ली थी अपनी बाइक और कार वगैरह को डीप क्लीन करने के लिए, अच्छे से साफ करने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बताऊंगा कि इसमें एक फोम सिस्टम भी होता है, एक लिक्विड सोप आता है, इसमें आगे एक डिवाइस लगा करके, टैंक लगा करके उसमें लिक्विड सोप भर देते हैं, और उससे जब आप अपनी बाइक या कार वगैरह साफ करेंगे ना तो गजब बहुत बढ़िया साफ होती है। तो फाइनली गाइस, आपने देख लिया कि ये सोलर पूरी तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं इनकी एफिशिएंसी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और साल में एक बार आपको ये काम कर लेना है, वैसे बारिश के सीजन में ये काम अपने आप हो जाता है, लेकिन जब कभी आपको लगे कि पैनल गंदे हो गए हैं तो इस तरीके से पानी डाल के भी आप साफ कर सकते हैं। और जो जुगाड़ और जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये जुगाड़ मैंने आपको बताया था, ये सिंपल फोम, मैंने एक पुराना मॉप था वो ख़राब हो गया था तो उसके ऊपर मैंने जैसे ये फोम लगा दिया है, और ये लंबी सी रॉड के अंदर इसको मैंने बांध दिया है, तो आराम से इसके ऊपर हम फिट सोप डालते हैं और पैनल को साफ कर लेते हैं। तो ये जुगाड़ काफ़ी कारगर है, और मैंने इसको बना के देखा है और बहुत अच्छा काम करता है। इसको डिटैच करके भी रख सकते हैं, यहाँ से आप इसको, ये मैंने लगा, ये देखिए निकल गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लगा करके रख लीजिए, और जब जरूरत पड़े, लगे पैनल गंदे हो गए हैं, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए इसके ऊपर, आखिर ये आपके घर के लिए बिजली बना रही है और ये साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपने यहाँ लगाए हुए सोलर पैनल की क्लीनिंग किस तरीके से, सेल्फ क्लीनिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।